हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सीखेंगे स्विच विंडो ऑप्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है। डियर फ्रेंड, स्विच विंडो ऑप्शन का ये यूज़ होता है जब हम एक से ज़्यादा फाइल को क्रिएट करते हैं और वो सभी फाइलें जब ओपन रहती है तो हम स्विच विंडो ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट उस फाइल पर स्विच कर सकते हैं, यानी हम एक फाइल से दूसरी फाइल पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइप पर हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक डॉक्यूमेंट फाइल हमने क्रिएट करके रखी और ओपन करके रखी, और आप देखेंगे सबसे टॉप पर टाइटल बार में उस फाइल का नाम दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट वन। अभी हमने कोई भी फाइल का नाम नहीं दिया है, हमने सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, ये प्रेजेंट फाइल है हमारी। हम एक न्यू फाइल और क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट और राइट साइड में आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आप चाहें तो शॉर्टकट की का यूज़ करके भी आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आप सबसे टॉप पर देखेंगे कि यहाँ पर टॉप पर लिखा है डॉक्यूमेंट टू, यानी कि ये हमारी सेकंड फाइल है। ठीक है, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट टू। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगर जैसे हमने दो फाइल को क्रिएट करके रखा है, एक डॉक्यूमेंट वन और एक डॉक्यूमेंट टू, अगर हम चाहते हैं हमारी डॉक्यूमेंट वन फाइल पर पहुँचना तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए हम स्विच विंडो ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे लास्ट में आपके पास जो टैब होता है व्यू टैब पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देता है स्विच विंडो, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों फाइल का नाम यहाँ पर दिखाई देगा, डॉक्यूमेंट वन भी आपको दिखाई दे रहा है और डॉक्यूमेंट टू भी आपको दिखाई दे रहा है। जो फाइल प्रेजेंट टाइम पर ओपन है या आपको दिखाई दे रही है उस पर आपको देखेंगे आप टिक दिखाई देता है आपको। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट वन फाइल पे जाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप जो आपकी पहली फाइल है आप उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप दूसरी फाइल पर पहुंचना चाहते हैं तो स्विच विंडो ऑप्शन में जाकर आप डॉक्यूमेंट टू पे क्लिक कर दीजिए तो फिर से आप डॉक्यूमेंट टू फाइल पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अगर हमने कोई कितनी बहुत सारी फाइल ओपन करके रखी है, क्रिएट करके रखी है, तो हम डायरेक्ट उस विंडो पर स्विच विंडो ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो यूज़फुल लगती तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियोस या एडवांस फीचर्स से आप एडवांस ऑप्शन सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।